लग जा रहा है दोस्तों देख के, इतना बड़ा, बाप रे बाप, अरे बाप, इतना बड़ा देखिए दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यार मैं भी बहुत ही शानदार हूँ, मजे में हूँ। और आज का दिन काफी सुहाना है, और पहले तो सुबह में बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ एक जगह आप लोगों को लेके जाऊँ। दिन भर का अपना काम था, जो रूटीन होता है मेरा काम का, क्योंकि फैमिली भी चलाना है, और अभी वो काम खत्म करके मैं एक अच्छा हिल्स व्यू में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। बहुत ही दिल खुश हो जाएगा देखने से, तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी सोच रहा हूँ कि ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला का थोड़ा सा नाराजगी दिख रहा है, शायद बारिश ना बरस जाए, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा। तो यही है दोस्तों, तो मेरा वीडियो में आप लोग बने रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मेरा साथ में और एक मेरा दोस्त है जो ज्यादातर मेरे साथ में रहता है जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ। और आज मैं जहाँ अपना काम करते हुए मैं लगभग करीब यहाँ से 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस में जा रहा हूँ वो वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि साथ में उसको भी लेके जाऊँ। और सर भी, हमारे सर भी बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं अभी, ये है देख सकते हैं, यहाँ पर है विनोद लामा जी, और साथ में है मेरा प्यारा बाइक एवेंजर 160। तो दोस्तों ये बहुत साथ देता है। अरे भाई साहब क्या चीज देख लिया हम लोग ने, अरे उतरता है थोड़ा सा, ये क्या है, ये डर भी लग जा रहा है। अरे वाह, ये खसी है क्या? अरे वाह, ये क्या, कितना बड़ा है वो, ये देखिए दोस्तों, ये तो भयानक चीज देखने को मिल गया हम लोग को रोड में। जा रहे हैं एक जगह आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, यार भयंकर चीज मिल गया, क्या है भाई सब, ये लग जा रहा है दोस्तों देख के, इतना बड़ा, बाप रे बाप, अरे बाप, इतना बड़ा देखिए दोस्तों, बकरा इतना बड़ा कभी नहीं देखे थे लाइफ में। तो जैसे बोले थे कि बहुत ही शानदार व्यू दिखाएंगे, और अभी जा ही रहे हैं, रास्ता में क्या क्या मिल रहा है आप लोग ने देख ही लिया है। और अभी तो इतना शानदार लग रहा है ना दोस्तों यहाँ का व्यू, कि लग रहा है कश्मीर से कम नहीं है दोस्तों ये भी। इधर देखे पीछे इतना बड़ा बड़ा पहाड़, बहुत ही ऊपर आ गए हम लोग, इधर नीचे नदी भी है। और इससे भी जबरदस्त सीन दिखाऊंगा मैं अभी, ये पीछे देखिए दोस्तों, पीछे ये चाय का बगान है, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, और क्या बोलूं दोस्तों, इतना शानदार दिख रहा है ना सर दोस्तों, हम लोग तो मजा आ जा रहा है। आप लोग भी जब भी इधर आइए, तो अभी मैं जगह का नाम बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं आया हूँ गरुबथान से आगे, और माल बाजार होते हुए गरुबथान से आगे आया हूँ, और जा रहे हैं अभी हम लोग, सोचे हैं कि पापड़ी खेती तक जाएंगे, अभी देखते हैं कहाँ तक, बारिश अगर नहीं होती है तो हम लोग उससे भी आगे जाएंगे, लेकिन बारिश तो हल्का हल्का हुआ है, हम लोग का आने तक छूट गया है, और भी अगर होता है तो कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन आज दिखाएंगे जरूर, इतना शानदार व्यू। सो फाइनली गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं जहां पर डेस्टिनेशन जो मेरा था, कि मैंने बोला था आप लोगों के मैं पापड़ी खेती जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा आज का व्यूज, बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार नजारा है। आप लोग बस अभी इस वीडियो में बने रहिए, और थोड़ा देर मैं बहुत ही अच्छा अच्छा चीज दिखाऊंगा, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए पहले तो मैं जरा पीछे से, अभी मैं बहुत बड़ा एक पत्थर भी दिखाऊंगा जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और उसके बाद इसका नदी जो है रिवर, वो भी बहुत ही शानदार, क्या बोलूँ दोस्तों, अभी शानदार ही शानदार बोलता हूँ, और उससे भी अच्छा अच्छा दिख रहा व्यू। और इससे भी आगे अगर हम लोग ये रोड जाएंगे, ये रोड आगे चला जाएगा, तो और लाभा आपको पड़ेगा, ऋषभ पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा अच्छा व्यूज है, वो बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट कभी को कोई ब्लॉग में, अभी बने रहिए, अभी मैं आप लोग को सीनरी दिखा रहा हूँ, तो सीनरी देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है सीन का मजा, और देखिए नदी,
आवाज सुनी दोस्तों नदी का है, इतना जबरदस्त आवाज और इतना साफ पानी। ये पूरा घाटी है दोस्तों, ये आपको गरुबथान से करीब 15-20 किलोमीटर जैसे पड़ता है, आगे आना पड़ता है गरुबथान से। और इतना शानदार व्यू मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए बहुत सारा टूरिस्ट सब आते रहते हैं और टूर करने के लिए बहुत ही अच्छा, और ये पिकनिक स्पॉट भी है, आदमी सब आते रहते हैं बाहर से। और ये रास्ता चला जाएगा आपको लाभा ऋषभ कालिम्पोंग सारा चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान जैसे चट्टान टूटा हुआ, और साथ ही साथ वाओ नहाने का मन कर जा रहा है देखिए तो। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे जाके वो मंदिर भी दिखाऊंगा और नीचे उतर के भी दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ा चट्टान जिसमें मंदिर बना हुआ है, और पीछे का व्यूज देखिए। अभी मैं इसमें चढ़ूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा चढ़ के। पूरा स्टेप बनाया हुआ है बहुत शानदार से। वाह किसका मंदिर है, जय हनुमान ज्ञान सागर। इतना बड़ा पत्थर में, पत्थर के ऊपर में एक मंदिर बनाया हुआ है, और देखिए इतना बड़ा चट्टान के ऊपर में स्टेप सीढ़ी बना के, ये व्यू का मजा लीजिए दोस्तों। तो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे भी मजा लग रहा है घूमने में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा इसी तरीका का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन का दबाने भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अगला वीडियो का। तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए, वीडियो जैसे ही बनते हैं। वाह तभी मैं इस नदी के सामने भी जाके दिखाऊंगा आप लोगों। अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे, नीचे का व्यू भी दिखाऊंगा नदी के एकदम सामने से। नदी का पानी इतना साफ दिख रहा है क्या बोलूं। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा चट्टान, पत्थर है ना चट्टान है, इसी के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है। बहुत बड़ा घाटी है ये। और अरे मैं पूछना चाहता हूँ विनोद सर, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है विनोद सर? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार ना, मजा आ गया ना। चले ऊपर वाला का भी मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बारिश नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर, और पूरा चट्टान ही है ये देखिए। पूरा वाटरफॉल हो रहा है सर उधर में तो ना, इधर से भी गिर रहा है पानी। फोटो लूं जरूर सर। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ठंडा लग रहा है, पूरा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। जल्दी से घर के लिए निकलेंगे, शाम हो गया है, शाम का बज गया अभी 5:30। जल्दी से घर के लिए निकलना है, करीब यहाँ से हम लोग को करीब 60 किलोमीटर से जाना है, तो अभी निकलता है यहाँ से। तो दोस्तों अभी तो ऊपर आ गए हम लोग, और ऊपर आके थोड़ा सा भूख भी लग रहा है, तो यहीं पर पास ही में दुकान है तो कुछ बनवाएंगे और खाएंगे। विनोद सर तो पूछा भी तो वहाँ पर मैगी मिलता है शायद अंडा लगा के 40 रुपीज में, वही खाएंगे। अभी दिखाते हैं, शायद बन गया होगा। बना रहा है ना, मैगी तो रेडी नहीं हुआ है, तब तक खाते हैं हम लोग। क्या है सर? टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े खाते हैं और जब तक मैगी रेडी होता है। गाइस बहुत देर इंतजार करने के बाद में आ गया है हम लोग का अंडा मैगी, अभी खाएंगे और भूख भगाएंगे और इसके बाद में फटाफट निकलेंगे।
कैसा लगेगा टेस्ट करके बताते हैं ना। शानदार है। तो फाइनली गैस मैगी खाना हो गया, पेट लगभग भर गया और अभी चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्द से जल्द और वीडियो को एडिटिंग करके जल्द से जल्द पोस्ट करता हूँ क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। इधर पीछे देखिए और अभी ड्राइव करेंगे मिस्टर विनोद क्या सर आप ड्राइव करेंगे ना। तो गैस अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है और एडिटिंग करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं, मौसम काफी खराब हो रहा है, तापमान है ठंडा भी लगा है दोस्तों।